टेबल को रीनेम करने के लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, टेबल को रीनेम करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास टेबल होना चाहिए, लेकिन जो पुराना वीडियो था टेबल रिमूव ड्रॉप डिलीट करने का, मैंने तो उसमें सब टेबल निकाल दिए थे। लेकिन अगर याद है आपने, अगर मेरे सभी वीडियोस देखे हुए हैं, मुझे ठीक से फॉलो कर रहे हुए, तो मैंने एक वीडियो में ऐसा बताया था कि आप अपने टेबल्स का जो कुछ भी क्रिएट कमांड होता है उसका बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो था, मैंने उसमें कमांड करवाया था शो क्रिएट टेबल, मैंने तीनों टेबल का उसमें बैकअप लिया था। तो उसी बैकअप को मैं फिर से इस्तेमाल करूंगा, टेबल को कॉपी पेस्ट करके क्विकली मैं बना लेता हूँ। ये नोटपैड की फाइल थी, उस वीडियो में एक गलती हो गई थी, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का बैकअप नहीं हुआ था, टाइम टेबल का मैंने दो बार बैकअप ले लिया था, लेकिन बाद में मैंने फिर से लिख लिया है। ठीक है, सभी टेबल्स को एक ही साथ मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं टर्मिनल में आऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन करना रह गया है, एंटर दूंगा तो एरर आएगी, एक टेबल शायद बन जाएगा। ठीक है, एरर तो आ ही गई क्योंकि यहाँ पे हमें सेमी कॉलन करना रह गया है कॉपी पेस्ट करने के बाद, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट तो पूरे का पूरा क्रिएट टेबल का यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। MySQL को कहना तो रह गया भाई सेमी कॉलन आ गया है, कंप्लीट करो टेबल को। अब फिर से मैं पेस्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी ओके, सेकंड क्वेरी ओके, थर्ड का एंटर रह गया है और यहाँ पे थर्ड क्वेरी ओके आ गई। यहाँ पे लिखता हूँ शो टेबल्स, तीनों टेबल्स के नाम मेरे पास आ गए। तो आज का जो वीडियो थे उसमें हम वापस आ जाते हैं, टेबल को रीनेम करने का था हमने, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ अल्टर टेबल कमांड, एक आता है जिसकी मदद से हम टेबल के फील्ड में कोई भी अगर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि फील्ड ऐड करना है, फील्ड रिमूव करना है, फील्ड को रीनेम करना है, फील्ड को रिसाइज करनी है, प्राइमरी की ऐड करनी है, प्राइमरी की रिमूव करनी है, फॉरेन की ऐड करनी है, फॉरेन की रिमूव करनी है, जो कुछ भी करना है टेबल स्ट्रक्चर के बारे में वो हम कर सकते हैं, और साथ में टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे जो पुराने टेबल का नाम था टाइम टेबल वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और बाद में यहाँ पे रीनेम कीवर्ड है, कौन सा नाम चाहिए, स्कूल टेबल ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, सेमी कॉलन करके एंटर दिया, क्वेरी ओके का मैसेज आया। अब शो टेबल्स कीजिए, स्कूल टेबल्स, देखिए नाम चेंज हो गया। ठीक है, जो नाम था उस मुताबिक हमारा नाम चेंज हो गया। एक और बार कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट को चेंज कर देते हैं, लेकिन इस बार अल्टर टेबल से नहीं, उसका एक दूसरा कमांड आता है रीनेम टेबल, पुराना वाला नाम कॉन्टेक्ट टू FRD, मतलब के फ्रेंड कॉन्टेक्ट, ऐसा नाम मुझे रखना है। क्वेरी ओके, शो टेबल्स, देखिए फ्रेंड कॉन्टेक्ट हो गया, दोनों चीज सेम ही है, अल्टरनेटिव मेथड है, जो आपको याद रहे उसका आप इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपडेट रहिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।